नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन का खमन ढोकला, जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही कम सामानों में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बेसन का ढोकला, जो बहुत ही टेस्टी होता है और ये कम समय में बन भी जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसन का ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के करीब बेसन को लें और इसे हम छान लेंगे। ध्यान रहे कि बेसन को हमेशा छान करके ही बनाएं। इससे क्या होगा कि आपके बेसन में लम्स नहीं पड़ेंगे। बेसन में बहुत ही जल्दी गुठली पड़ जाता है, इसलिए हमेशा बेसन को छान करके ही बनाएं। तो यहाँ देखिए, मैंने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक को टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे बहुत ही थोड़ा हल्दी पाउडर डालें। अगर हम ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो आपका जो ढोकला है लाल हो जाएगा। और एक बड़ा चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है और यहाँ पर आप वाइट ऑयल ही डालें और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम पानी डाल करके एक बैटर बना लेंगे। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर बनाएं। एक साथ ही ज़्यादा पानी को हम नहीं डालेंगे। अगर एक साथ ही सारा पानी को आप डाल देंगे तो आपका जो बैटर है पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा हम बैटर बना लेंगे। जो बैटर ज़्यादा ना हम पतला रखेंगे और ना ज़्यादा गाढ़ा, तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बेसन को अच्छी तरह से फूल जाने के लिए हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देंगे ढक करके। इससे क्या होगा, जो हमारा बेसन है अच्छी तरह से फूल जाएगा। 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। देखिए, जो हमारा बैटर है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे ईनो। तो यहाँ पर मैंने प्लेन वाला इनो को लिया है। यहाँ पे हम 1.5 चम्मच के करीब इनो को डाल देंगे। अगर आप पैकेट वाला इनो को लेते हैं तो आप 1 पैकेट पूरा इसमें इनो को डाल दें। और भी कोई फ्लेवर हम इसमें इनो का नहीं डालेंगे, आप प्लेन वाला ही इनो इसमें डालें। और इनो को डालने के बाद हम इसे ज़्यादा फेटेंगे नहीं, बस इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और एक प्लेट में अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लें और उसी प्लेट में हम इस सारे बैटर को डाल देंगे। यहाँ देखिए, मैंने सारे बैटर को डाल दिया है और उसे हम इस तरह टैप कर लेंगे। और इधर देखिए, मैंने एक कढ़ाई रखा है और उसी में पानी को डाल दें और स्टैंड या कोई भी प्लेट रख दें और उसके ऊपर ये बैटर वाले प्लेट रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख दें। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। इसे आप नाइफ़ या कोई भी टूथपिक से इसे चेक कर लें। अगर आपका नाइफ पूरा क्लीन निकलता है तो सोचिए आपका जो ढोकला है बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। तो यह हमारा जो नाइफ है बिल्कुल क्लीन निकला है, तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शुगर सिरप बना लेंगे। तो एक पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दें। यहाँ पर मैंने वाइट ऑयल डाला है। और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब राई को डाल दें। आप राई के जगह मस्टर्ड सीड्स को भी डाल सकते हैं। जैसे ही हमारा राई चिटक जाएगा, हम इसमें डाल देंगे कुछ हरा मिर्चा और कुछ कड़ी पत्ता को डाल दें और इसे कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे, यानी भून लें इसे। और जैसे ही हमारा मिर्चा और कड़ी पत्ता फ्राई हो जाएगा, हम इसमें पानी को डाल देंगे। तो यहाँ पर शुगर सिरप थोड़ा सा ज़्यादा ही मात्रा में बनाएं। मैंने यहाँ पे इसे फ्राई पैन में बनाया है। आप इसे बड़ा बर्तन में भी कोई बना सकते हैं। और इसी में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक को डाल दें और 2 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। बस बॉयल ही करें। और अब हम क्या करेंगे, गैस को लो कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1 नींबू का रस को डाल दें। तो यहाँ पर मैंने नींबू के रस को पहले से निकाल लिया था, इसी को डाल दें। और अब हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे।
यहाँ हमारा सुगर सिरप बनके रेडी है और यहाँ पे हमारा जो ढोकला था वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले इसके जो कॉर्नर है इसे हम निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि जब आपका बिल्कुल ढोकला ठंडा हो जाए तभी इसको अनमोल्ड करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके कॉर्नर को निकाल लिया है और इसे अब अनमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो ढोकला है बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही स्पंजी। तो अब हम इसे काट लेंगे। तो आप देखिए काटने से आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो ढोकला है बहुत ही स्पंजी बना है। मैंने यहाँ पे इस स्क्वायर शेप में इसे काटा है, आप जिस शेप में चाहें इसे काट लें। और मैंने इसे एक प्लेट में बनाया है, आप इसे कोई भी टिफ़िन या केक के मोल्ड में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढोकला को बिल्कुल अच्छी तरह से स्क्वायर शेप में इसे काट लिया है। और काटने के बाद मैं अभी आपको इसकी जो जाली है होती है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी इसमें जालियाँ पड़ी है, ये देखिए। तो आप भी इस ट्रिक से इसे बनाएंगे तो आपका भी जो ढोकला है बहुत ही स्पंजी बनेगा। और इसके ऊपर से हम ये शुगर सिरप को डाल देंगे जो हमने शुगर सिरप को बनाया था। शुगर सिरप को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मात्रा में डालेंगे, इससे क्या होगा जो हमारा ढोकला है बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही स्पंजी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुगर सिरप को डाल दिया है, हमारा ढोकला बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही स्पंजी और बहुत ही जालीदार, ये देखिए। मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ सामने से, ये देखिए। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारा ढोकला जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पंजी बना है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए। तो आप इस ढोकला को जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनी है।